तो दोस्तों आज हम नेक्सॉन के इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, आपको इंटीरियर दिखाएंगे कि किस तरह का इंटीरियर होता है। तो ये है टाटा नेक्सॉन XMS मॉडल का इंटीरियर और आप देख सकते हैं इसमें मैं कुछ फीचर्स आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल में ब्लूटूथ पेन ड्राइव और USB कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें से आप ये चेंज कर सकते हैं। कॉल अटेंड और कॉल डिस्कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाते हैं, वॉल्यूम डाउन और ये गाने वगैरह बदलने के लिए कुछ बटन वही चीज़ यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके डिस्प्ले की बात करें तो ये आपको डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई दे देती हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे एसी के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। मैनुअल एसी मिल जाता है आपको, यहाँ पे वाइपर जो मिलते हैं वो ऑटोमेटिक मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो में अगर यहाँ पे पानी पड़ेगा तो वाइपर ऑटोमेटिक चलेंगे, है ना। तो मतलब बारिश होगी तो आपको वाइपर चलाने में जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वाइपर चलने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये हम इससे अपना सनरूफ ओपन कर सकते हैं, जैसे कि ये हम क्लिक किए तो ये सनरूफ हमारा ओपन हो गया और वन क्लिक करेंगे तो बंद हो गया, और ये हम हाथ से बंद कर सकते हैं कुछ इस तरह से और ऐसे खोल सकते हैं। जब ये फुल नहीं ओपन होता है लेकिन जब हम सनरूफ ओपन करेंगे तब ये भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरह के कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाएंगे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा इंटीरियर मिल जाता है। वो RPM कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक फोल्ड मिरर एक क्लिक में ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाता है और ORPM को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो ये सारे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं डिजिटल में। चलिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। एक बार बंद करके फिर चालू करेंगे, जैसे ही हम चाबी ऑन करते हैं तो हमने यहाँ पे अपनी की लगाई, ये इस तरह से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। और बाकी इंटीरियर में आप यहाँ पे देखो पुश बटन अगर आपको लगवाना है तो आप यहाँ पे लगवा सकते हैं, पुश बटन के लिए भी ऑप्शन मिलता है। तो अभी इसमें पुश बटन नहीं लगा है, ठीक है। और ओपन करना बूट जैसे टच करना है, ओपन करो दबाना है, ये देखिए बूट आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका फोल्डर वगैरह रख सकते हैं, चकना सिगरेट सब रख सकते हैं, पेन वगैरह रखना तो रख सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सेंटर लॉकिंग की एक बटन नहीं मिलती तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहीं से सेंटर लॉक कर सकते हैं, पूरे चारों विंडो लॉक हो जाएंगे यहीं से, ठीक है। बाकी विंडो ग्लास ओपन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, आप इन बटनों से अपने ग्लास को ओपन कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक को बटन मिल जाता है, कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बगल में बॉटल वगैरह रखने के लिए, जो कि इस तरह से दिखता है। बस क्या है, अगर आपको चाहिए तो इसे बाय कर सकते हैं, वॉल्यूम का बटन है ये, ठीक है। तो साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, हरमन का म्यूजिक सिस्टम इसमें मिलता है आपको, है ना। बाकी आपको इसमें एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले लगवाना है तो इंस्टॉल करवा सकते हैं मार्केट से, ठीक है। तो बस थोड़ा सा पीछे देख लीजिए, काफ़ी स्पेस गाड़ी में मिल जाता है और फीचर्स तो भर भर के मिलते हैं इस गाड़ी में। चलिए तो लाइक कर दीजिए, टाटा नेक्सॉन XMS का इंटीरियर हमने दिखाया आपको, और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तो एक बार स्टार्ट करके मैं दिखा देता हूँ।